मुझे तो ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी इसीलिए बांधी थी कि जब तक आप हमको मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब उनको उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बदौलत बना दिया है, तो अब वो अयोध्या में जाके अपनी मुंडन कराएंगे और पगड़ी खोलेंगे। महज 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं के द्वारा जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के सिरमौर गरीब शोषित दलित वंचित अकलियत के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को परेशान करने का काम किया जा रहा है अपने आप में एक निंदनीय है। और आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव में पूरे बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को माफ नहीं करने जा रही है। एक गरीब के बेटे को उनका कसूर यही है कि लालू प्रसाद यादव जी गुदरी के लाल हैं, एक गरीब के बच्चे हैं और गरीब का बच्चा कैसे इन सामंतवादी ताकतों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा रह गया। आज तक लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल कभी नतमस्तक नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के सामने। जो सांप्रदायिक दंगे वाले लोग हैं लालू प्रसाद यादव जी ने कभी समझौता नहीं किया। उनको ये लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव जी बीमारी से कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनकी ये भूल थी। उनको ये लगा कि लालू प्रसाद यादव जी इस किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी अपने आप में पूरे भारत के विपक्ष के लोगों को एकजुट कर दिए। एक सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को परेशान करने का काम किया है। बिहार आने वाले दिन में कभी उनको माफ नहीं करने जा रहा है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम थावे रोड गोपालगंज। देखिए हम लोग न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। हम लोगों को न्यायालय पे काफी विश्वास है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को अगर ईडी या CBI अरेस्ट करती है तो ये अपने आप में एक बार सुनियोजित तरीके से की गई षड्यंत्र का परिणाम होगा। और ये जनता जानती है, जनता अब दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि जो एक मुख्यमंत्री जो थका हुआ मुख्यमंत्री है उनको एक जागा हुआ एक उभरता हुआ सितारा एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिला। और 17 साल बनाम 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने जो काम करने का काम किया है, जो युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, पूरे भारत वर्ष में किसी भी राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। हॉस्पिटल में चल चलिए 1 बजे रात में तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री जो अपने आप को संभाले हुए थे 1 बजे रात में, चाहे वो बिहार के कोई भी जिला हो जहां जाते हैं वहां एक एक हॉस्पिटल का जाके आप स्थिति देख लीजिए। पूरे बिहार में IT सेक्टर जो 50,000 करोड़ का जो निवेश होने जा रहा है वो तेजस्वी यादव का देन है। जो टूरिज्म का जो हमारे पास विभाग था वो तेजस्वी यादव की देन है, राष्ट्रीय जनता दल की देन है। और आने वाले दिन में अगर तेजस्वी यादव को फिर से मौका मिला तो आप विश्वास करिए कि जो उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था कि हम किसी भी पढ़े लिखे युवाओं को, चाहे आप पढ़िए चाहे खेलिए, आप दोनों फील्ड से हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे, ये अपने आप में एक अतुलनीय अपने आप में एक मील माइल है। आप विश्वास करिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इसको एक स्थापित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों के पेट में दर्द हो गया। और इसी तरीके से सुनियोजित तरीके से एक बार फिर से कहना चाहेंगे, सुनियोजित तरीके से इन दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बैठ के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कमजोर करने का काम किया है। सम्राट चौधरी का जो पगड़ी है वो पगड़ी तो लालू प्रसाद यादव की देन है कि वो पगड़ी बंधी, वो पगड़ी जो बांधने की काबिलियत है सम्राट चौधरी के माथे पे वो लालू प्रसाद यादव ने दिया था। आज हम न्यूज में सुने कि कह रहे हैं अब सम्राट चौधरी के अयोध्या जाएंगे मुंडन कराएंगे, तो भैया मुंडन कौन कराता है? जिसके घर में कोई मर गया हो श्राद्ध क्रम हो वो मुंडन कराता है,
और पगड़ी बांधा जाता है, खोला जाता है, ये तो सम्राट चौधरी बताएंगे। लेकिन जो सम्राट चौधरी का ये कंसेप्ट था कि पगड़ी हम तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे, मुझे तो ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी इसीलिए बांधी थी कि जब तक आप हमको मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब उनको उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बदौलत बना दिया है, तो अब वो अयोध्या में जाके अपनी मुंडन कराएंगे और पगड़ी खोलेंगे। देखिए, चूंकि मैं समस्त जितने भी, वो सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, पूरे बिहार के युवा राष्ट्रीय जनता दल के समस्त जितने भी मेरे जुझारू साथी हैं, मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आपको तनिक भी अपने लक्ष्य से, राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों से डगमग नहीं होना है। आपके नेता लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, आपको जानना है कि लालू प्रसाद यादव जी गरीब दलित शोषित वंचितों के नेता हैं, एक गरीब परिवार से निकल के आए हैं, एक सामंतवादी ताकतों के सामने लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए। लालू प्रसाद यादव जी राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जेपी जी के आदर्शों को, महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अपने हौसले को बुलंद रखना है और राष्ट्रीय जनता दल 2024 और 2025 में, खासकर 2025 में हमारे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस पे युवा राष्ट्रीय जनता दल के सारे युवा साथी हमारे काम करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।